बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी खुशी की बात है कि आज मैं VFAHT को इंट्रोड्यूस कराऊं। ये तंजीम जो थी, ये ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सबसे पहले 2016 में हमने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर चलाया, जिसके शमीर शाह और उमर फ़ारूक साहब और इस तरह के दूसरे हमारे दोस्त थे, हम डॉक्टर मारा थी। उस ज़माने में हमें इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये बढ़ जाएगी और मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका वो हो जाएगा। इसका बुनियादी जो मकसद था उस ज़माने में ये था कि हम हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ किस तरह लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के अलावा दूसरी इन्फेक्शन भी हैं, तो हमने उनको एड्स है इस तरह से कंट्रोल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने इतने बड़े बड़े फंक्शन किए कि एनुअल डिनर किया और गवर्नर साहब के साथ हमने वो किया, तो उससे ये है कि अब बच्चों के अंदर इतनी ऑर्गेनाइजेशन वो आ गई है कि एक मेरा समय मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी जो वेलफेयर NGO है, उन सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बच्चे जो हैं वो इसके हैं। और ये अपने मोटिव के साथ इस तरह चलते हैं कि जैसे एक फ़ौजी जवान किसी उस जंग में जा रहा होता है। तो यही मेरी कामयाबी, इनकी कामयाबी और मेरी दुआ है। इंशाल्लाह मेरे पूरे तावन इनके साथ रहता है, एज ए टीचर भी, एज ए स्टाफ प्रेजिडेंट भी, जिस तरीके से समझते हैं कि जिस तरह हो सकेगा हम पाकिस्तान में इन्फेक्शन के करीब फाइट करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इन्फेक्शन फ्री करेंगे। और उसी की वजह से हमने एक इदारा बनाया, फाउंडेशन बनाया, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने एक बिल्डिंग की शक्ल में आ जाएगा, जिससे मिलकर हम पाकिस्तान को इन्फेक्शन फ्री कंट्रोल करें।